फ्रेंड्स, आज अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ नया करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको बेबलेट्स दिखाएंगे, मतलब अपने पुराने बेबलेट्स नहीं, कुछ नए बेबलेट्स। एक नया बेबलेट का सेट है हमारे पास, आज ये देखिए अनबॉक्सिंग करेंगे। वो सेट ये है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये आपने तो दुकानों पे बहुत जगह देखा होगा, तो बेबलेट्स भी आप पहचानते होंगे। ये पेगासस है, ये एल्ड्रैगो है, ये लियोन है, ये बुल है। अब इसको जल्दी पहचानते ही होंगे आप लोग। तो उससे पहले देख लेते हैं, अगर आपको बेबलेट चलाने का तरीका नहीं पता है तो यहाँ पे दिया रहता है, असेंबली है यहाँ पे। तो सबसे पहले एनर्जी रिंग है, इसको फ्यूजन रिंग में लगाते हैं, फिर नीचे ये ट्रैक, फिर ऊपर से बोल्ट, फिर इसे ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये टाइट हो जाता है, और फिर ये रिंग होती है ऐसे ऐसे घुमाने के लिए। फिर उसके बाद नीचे टिप लगाते हैं, ये टिप मतलब यहाँ पे जो नीचे टिप लगती है ट्रैक के, ये बेबलेट बर्स्ट में नहीं होता। और फिर इसके बाद ऐसे लॉन्चर में रिपकॉर्ड को घुसाते हैं, उसके बाद बेबलेट लगा के चलाते हैं। ये अगर आपको ये वाला लॉन्चर चाहिए तो आपको अमेजोन पर ही मिलेगा, दुकानों पे तो मिल नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 4D सिस्टम बेबलेट मेटल मास्टर्स फ्यूरी। तो अब जल्दी से बिग फन टॉयज के कंपनी का है, बिग फन टॉयज। अब इसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ से कुछ अनबॉक्स हो गए। तो इसे कुछ इधर से ऐसे निकाल सकते हैं। निकल गया। तो ये है इसका कार्ड, अभी इसको हम रखते हैं फिलर साइड में और बेबलेट्स देखते हैं। और ये रहा इसके ऊपर का लगा हुआ, इसके यहाँ पर कुछ है। ओह, इसके अंदर वही सब कुछ डिटेल विटेल है, ये देख सकते हैं, दो बेबलेट्स भी बना हुआ फिलहाल। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा ब्लू वाला बेबलेट पेगासस, और ये है हमारा ग्रीन वाला लियोन, ये हमारा रेड वाला बुल, और ये है हमारा फाइनली व्हाइट वाला एल ड्राइवर, जिसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार था क्योंकि हमारी इसकी एनर्जी रिंग टूट गई थी। तो देख लेते हैं घूम कैसा रहे। ये मस्त घूम रहा है, ये भी अच्छा घूम रहा है, ये भी अच्छा घूम रहा है, ये भी अच्छा घूम रहा है, सब अच्छे घूम रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये है दो रिंग्स, इनको भी रखते हैं साइड में, और ये है लॉन्चर्स। हाँ, अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी है, इसको भी रखते हैं साइड में और इसको हटाते हैं। ओह, इसके नीचे तो असली माल है। तो ये रही रिपोर्ट्स, यार ये ज्यादा ही मोड़ के दे दिया, थोड़ा सीधा कर देते हैं नहीं तो फिर खराब हो जाएंगे। तो ये हमारी रिपोर्ट्स हो गई हैं सीधी, और अब इनको भी। ये है हमारे कुछ स्टिकर्स, ओ इसमें पेगासस का स्टिकर नहीं मिला है, सॉरी। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रख लेंगे, चला लेंगे काम। यहाँ पे बुल के चार चार, ड्राइवर के चार चार नहीं क्यों दे रखे, समझ नहीं आया। हाँ, बुल के तो छह हैं, चलो तो इसे भी रखते हैं। धोखा हो गया, ड्राइवर के पांच हैं, धोखा हो गया फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। और ये स्टेडियम, और अभी हम बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से बैटल करते हैं, देखते हैं क्या चलता है, डालेंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम स्टिकर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टिकर्स लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो बाद में अगली वीडियो में हम लोग स्टिकर्स चढ़ा कर आपको बाद में दिखा देंगे। तो चलिए, अब मैं लाऊंगा ब्लू वाला, मैं रेड यानी बोल। चलो इसे चलाते हैं, स्टेडियम थोड़ा छोटा है, रखो सीट में ले। अच्छी बैटल है, सही है, ब्लू वाला हार गया। अब मैं लाऊंगा ग्रीन वाला, और मैं यही वाला यूज करूंगा अभी। तो यार मुझसे सही से घूमा नहीं था, एक सेकंड, ये वाला मैं घुमा कर देखते हैं इसको। हाँ, ये मस्त है यार, इस पर आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड रेड लाइंस है साइड साइड में, ये देखिए ये डिजाइन बना रही है। अब हम एक बैटल और कर रहे हैं और आज हम इतना ही करेंगे। थ्री टू वन, ओ भाई साहब पहुंच गया, और ये यहाँ उधर चला गया था बहुत, भाई साहब। तो फ्रेंड्स, अच्छा है मगर स्टिकर्स पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, अब मिलते किसी और
नई वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।